नमस्कार, छिंदवाड़ा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते विस्तार से। नगर निगम महापौर कांता सदारंग की अध्यक्षता में रविन्द्र भवन में विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष शैलेन्द्र रघुवंशी, कलेक्टर जेके जैन और जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर महापौर कांता सदारंग ने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी भी वस्तु को खरीदने के पहले उसकी गुणवत्ता और उसकी एक्सपायरी डेट को देखें, जिससे उपभोक्ता को सही मात्रा में गुणवत्तापूर्ण वस्तु मिल सके। कलेक्टर जेके जैन ने कहा कि अपने उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए हमें कानूनी प्रावधानों के साथ ही शासन द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के बारे में भी जानकारी हासिल करते रहना चाहिए, जिससे कोई भी सेवा प्रदाता हमारे साथ ठगी न कर सके। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निरंतर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। विश्व गोरैया दिवस के अवसर पर सतपुरा साइंस एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी और अखिल भारतीय जैन युवा संगठन फेडरेशन ने समाज के लोगों के साथ मिलकर स्पैरो पहल की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य गोरैया का संरक्षण करना है। मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में वन विभाग के अधिकारियों ने गोरैया के संरक्षण को लेकर एक पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर भारतीय जैन युवा फेडरेशन के प्रमुख दीपक जैन, सतपुरा साइंस क्लब के अध्यक्ष विनोद तिवारी, सचिव आकाश लालवानी, सूरज लालवानी, यशराज सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। तकनीकी विद्यालय में श्री कृष्ण सेना के कार्यकर्ताओं ने दिव्यांगों के बीच में होली का पर्व मनाया। कृष्ण सेना ने दिव्यांग बच्चों के बीच केक काटकर उन्हें खिलाया और होली की खुशियां बांटी। श्री कृष्ण सेना के कार्यकर्ताओं की इस अनूठी पहल से सभी बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत सीईओ के पास पंचायत के सरपंचों पर एफआईआर के अधिकार नहीं है। यह बात जिला पंचायत में संसद प्रतिनिधि सैयद जाफर ने पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा के दौरान कही। एक बड़ी चीज और आ रही है कि लगातार एसडीएम जैसे न्यायपालिका के अधिकारी के अधिकारों का हनन जनपद उनके पावर का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते जो कि स्पष्ट निकालों के भी अधिकारी करेंगे तो सीधे तौर पे जनपद सीओ जिन जिन भी जनपद सीओ ने सरपंचों के खिलाफ एफआईआर की है बिना भी अधिकारी के अनुमति के वो शासन के निर्देशों का पालन करने से हटे हैं उन पे भी सख्त कार्रवाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।